जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, मैं मन रामपुरिया आज लेकर आया हूँ स्पेशल और यूनिक लेफ्ट ओवर चावल की भेल। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि चावल ज़्यादा बच जाते हैं तो कभी कम बच जाते हैं। उस कंडीशन में हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, तो आप है ना उसको धूप में सुखा दीजिए। जैसे मैंने ये चावल धूप में सुखाए हुए ये मैंने ड्राई कर लिए थे, वैसे ही आप भी कर लीजिए। फिर उसके बाद वन मीडियम साइज ऑनियन फाइनली चॉप्ड, वन टोमेटो फाइनली चॉप्ड, वन बॉइल्ड पोटैटो फाइनली चॉप्ड, वन कोरिएंडर एंड भुजिया फ्राइड पीनट्स, ऑयल ग्रीन चटनी सॉस एंड चाट मसाला एंड जीरावन एंड नमक एंड लेमन। तो चलिए हम अभी अपने चावल को डीप फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चावल डालेंगे। ये मेरे पास गरम ऑयल था कढ़ाई में, तो अब हम स्टार्ट। तो देखिए मैंने अभी इसको डीप फ्राई कर लिया है और टिश्यू पेपर पे निकाल दिया ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टोमेटो, वन ऑनियन, वन पोटैटो फाइनली चॉप्ड, कोरिएंडर लीव्स, चाट मसाला वन टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जीरावन पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, देन ग्रीन चटनी, देन सॉस, एंड देन फर्स्ट वी मिक्स इट। एंड देन वी मिक्स इट, देन वी एड्स भुजिया, देन फ्राइड पीनट्स, देन रोस्टेड चना भी डाल सकते हैं आप। फिर अब हम इसको मिक्स करके अब इसमें फ्राइड राइस डाल लेंगे ताकि इसकी क्रंचीनेस और बनी रहे। फ्रेंड्स हमने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो फिर वेजिटेबल्स से मॉइस्ट हो जाएगा। तो हमने सब डाल लिए, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमने देखिए इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको मिक्स करके इसमें लेमन ऐड कर लेंगे। किसी को लेमन ज़्यादा खट्टा पसंद होता है, कभी कम पसंद होता है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लीजिए। तो मैंने इसमें ये लेमन हाफ लेमन की ज़रूरत पड़ी तो मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए ऑनियन डालेंगे, कोरिएंडर लीव्स, भुजिया एंड फ्राइड पीनट्स डालेंगे। ये देखिए हमारी चटपटी बेल तैयार है। हम जैसे बच्चे तो इसको टीवी देख के मजे से खाते हैं। बाय बाय, थैंक यू।